QCL को बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए हेलो एवरीवन, हाय QCL। अच्छा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिल पाएंगी। तो ज़रूरी है कि वीडियो के अपलोड होते ही आपको सारी नोटिफिकेशन मिले, तो आपको प्रेस करना है बेल आइकन। और वेलकम टू QCL। आज हम बड़ा रफ स्टार्टिंग करिए ना मैंने आज क्लास की। आज फिर से हम कंप्यूटर क्लास, ये कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्या हो गया यार। अच्छा सुने आप लोग, और से कल क्लास ली थी मैंने कंप्यूटर की, लेकिन फिर भी मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था जितना होना चाहिए था। खुद को सेटिस्फेक्शन कम था। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरफ से डेली क्लासेस और डेली सारी चीज़ें मिलती रहें, देन यू हैव टू वॉच फुल वीडियो। यू ऑल हैव टू वॉच फुल वीडियो टिल टू एंड। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरफ से बेहतरीन A1 कंटेंट मिलता रहे, फुल वॉच करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर करें अपने लेवल पर, और अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट भी सेंड करें, QCL को सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं बेसिक डेटा एंट्री पार्ट टू। क्या कर रहे हैं? बेसिक डेटा एंट्री पार्ट टू। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में एक बात बता, पहले क्या होता है, तीन तरीके से एक्सेल या वर्ड या कोई भी फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, और तीनों तरीके से। आज मैं पहले बेसिक डेटा एंट्री में आपको सेव करना और डेटा को फाइंड करना बताऊंगी। तो देखिए, पहला नंबर वन तरीका होता है कोई भी नंबर वन, थर्ड विंडो की प्रेस करें। विंडो की प्रेस करते ही EXEL एक्सेल लिखे, या वर्ड लिखना होता है तो WORD लिखे, पावर पॉइंट लिखना है तो PowerPoint लिखे, जो भी लिखे। और दूसरा, और वहाँ पे आप वंस डाउन एरो करें, अदरवाइज वहीं पे शो करने लगेगा, नहीं तो वंस यानी एक बार डाउन एरो कर लें और एंटर कर दें। तो आप टाइटल चेक कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑफिस लेटेस्ट है तो वो कहेगा, वो बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, तो वहाँ पे एक बार और एंटर कर दें तो ओपन द, अगर पावर पॉइंट है तो स्लाइड ओपन हो जाएगी, एक्सेल है तो शीट, और वर्ड है तो न्यू डॉक्यूमेंट। ये मेथड नंबर वन। दूसरा मेथड था कि जिसमें विंडो आर करेंगे डायरेक्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए विनवर्ड, या नोट पैड के लिए नोट पैड, या एक्सेस के लिए एक्सेस, और या फिर पावर पॉइंट के लिए PowerPoint PowerPoint लिख के एंटर करें। मेथड नंबर थ्री है, ध्यान से सुनेंगे, विंडो डी या विंडो एम डेस्कटॉप, यानी विंडो डी या विंडो एम आपकी डेस्कटॉप पे जाने की कमांड है। दोनों में से एक भी अगर आपने प्रेस कर दिया आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। टाइटल चेक करने की कमांड क्या है? इंसर्ट टी। कैसे टाइटल चेक करेंगे? इंसर्ट टी। हाउ टू चेक टाइटल? इंसर्ट टी। अच्छा, कुछ जगह ऐसा भी होता है HP और डेल के लैपटॉप्स में इंसर्ट के साथ, जैसे टी डायरेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, फंक्शन की भी प्रेस करनी पड़ती है। ठीक है, इंसर्ट के साथ फंक्शन की भी प्रेस करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ाया था मल्टीमीडिया मोड, फंक्शन मोड याद होगा कीबोर्ड का, तो इसलिए ऐसा होता है। वो तो कहते पता नहीं क्या हो गया कीबोर्ड खराब, अरे हो ही नहीं रहा, इंसर्ट ही प्रेस किया, अरे हो ही नहीं रहा है, क्या हो गया। तो ये हो जाता है, इंसर्ट फंक्शन प्लस टी करना होता है उसके लिए। अच्छा, डेस्कटॉप पे गए आप टाइटल चेक के लिए। थर्ड नंबर मेथड क्या है कि आप जो डेस्कटॉप पे, जो आपका जिस आइकन पे कर्सर गया है उसमें क्या करना है आपको, उसमें करना है कंट्रोल स्पेस से उसको अनसेलेक्ट। कंट्रोल स्पेस से अनसेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू प्रेस करें, या शिफ्ट F10 प्रेस कर दें, F10 या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू प्रेस करके वहाँ पे आप जाएं न्यू सब मेन्यू। याद रखिएगा, एक आएगा व्यू सब मेन्यू, एक आएगा न्यू सब मेन्यू। आपको किस पे जाना है? न्यू सब मेन्यू में। ठीक है, और अगर किसी को न्यू में ना मिले तो व्यू में भी देख ले, पर दोनों में से न्यू में ही आता है। खैर, N है न्यू सब मेन्यू के लिए। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद, अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की उसमें होती है, नहीं तो शिफ्ट F10 करने के बाद, या तो डायरेक्ट N करते हैं, या वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाने के बाद या डाउन एरो से चले जाएं न्यू सब मेन्यू पे। और व्यू के लिए क्या होता है? W। ठीक है, न्यू सब मेन्यू में जाएगा, पहला ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू फोल्डर, उसके नीचे मिलेगा टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल, वर्ड टेक्स्ट कहते हैं नोट पैड फाइल को,
डॉक फाइल, तो एक्सेल फाइल या कुछ हो चाहिए, आप यहाँ से एक्सेल फाइल पे क्लिक करेंगे और वो आपकी आ जाएगी डेस्कटॉप पे, और उस फाइल पे आप करेंगे एंटर और वहाँ से आप टाइटल चेक करेंगे, सर टी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक वन शीट वन ए वन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक वन शीट वन ए वन। अच्छा मैंने विंडो टी कल बोल दिया था, विंडो टी का फंक्शन बता दूँ क्या होता है। विंडो टी से टास्क बार पूरे सारे फाइल्स को मिनिमाइज यानी एक साथ क्लोज कर सकते हैं, और दोबारा विंडो टी करेंगे तो उन फाइल को दोबारा से आप मैक्सिमाइज यानी आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिस्प्ले पर। तो ये होता है विंडो टी। टाइटल के अंदर टी होता है, पता नहीं कैसे गलती से मुँह से टिप फिंगर टिप्स पे पढ़ा सकती हूँ कंप्यूटर, ये मुझे इतना भरोसा है अपने आप पर, और ऐसे ही बना दूंगी मैं आपको। खैर एक्सेल में मैंने आपको बताया था कि राइट एरो से या टैब से नेविगेट करेंगे नेक्स्ट कॉलम पर, और लेफ्ट एरो और शिफ्ट टैब से शिफ्ट टैब और लेफ्ट एरो से नेविगेट करेंगे प्रीवियस कॉलम पर। फिर से सुनिए, राइट एरो और टैब से, राइट एरो और टैब से नेक्स्ट कॉलम पर नेविगेट करेंगे जैसे अभी देखते हैं, और शिफ्ट टैब और लेफ्ट एरो से क्या करेंगे प्रीवियस कॉलम पे नेविगेट करेंगे, जैसे मेरा कर्सर आया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक वन शीट वन ए वन। अब मैं राइट एरो करूँगी या टैब करूँगी तो जाएगा पी वन, फिर क्या बताया था मैंने, फिर सी वन टैब या राइट एरो से, फिर टी वन, तो ए बी सी डी ई ये सब क्या चल रहे हैं कॉलम, ये कॉलम चल रहे हैं वन 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 रो, और वन टू थ्री फोर फाइव ए टू बी टू सी टू थ्री डी टू, तो ये टू रो के ए बी सी डी ई कॉलम चल रहे हैं। यानी आपको बताया था कि रो जो है हॉरिजॉन्टल होती है कॉलम, यानी अगर आप ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, तो आप देख रहे हैं कि रो बदल रही है, नंबर हमेशा रो को प्रेजेंट करते हैं और कॉलम हमेशा लेटर हमेशा कॉलम को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी ई चाहे वन रो का ही है, ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी थ्री ई थ्री, रो तो सेम है, कॉलम बदल रहे हैं, लेटर बदल रहे हैं, तो यानी ये कॉलम चेंज हो रहे हैं, कॉलम हमेशा रो मतलब सॉरी रो चेंज हो रही है, कॉलम वर्टिकल होगा, कॉलम वर्टिकल होते हैं उसमें रो चेंज होती है, और रो हॉरिजॉन्टल होती है, वो रो हॉरिजॉन्टल होती है जिसपे कॉलम चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 ठीक, चलिए मैंने क्या बता दिया समझ में आएगा ना। अगर ए सी वन पर है डाउन एरो करेंगे सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी फाइव, यानी सी कॉलम में है, रो चेंज हो रही है वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक। और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक, तो यानी एक ही रो में रहेंगे लेकिन कॉलम चेंज होते रहेंगे, ठीक। दोनों फर्क पता हो गए, हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम, नंबर किसको प्रेजेंट करेंगे रोज को, लेटर कॉलम्स को, ये रिवाइज करवा रही हूँ, सब पढ़ा चुकी हूँ, सब पढ़ा दिया है मैंने आप लोगों को। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा मैंने, नेम और फिर मैंने पहले हम लिस्ट लिखते हैं, ए वन में लिस्ट लिखा है, राइट एरो टैब से हम बी वन पे नेविगेट किए, लिस्ट कॉन्टेक्ट नंबर लिस्ट के बाद सॉरी नेम कॉन्टेक्ट नंबर जी मेल आई डी फॉलो अप्स ये वो लाभ 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 लाभ, 10 कॉलम मैंने बना दिए। मैंने पिछले वीडियोज में बताया है इसको डिटेल से, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, अगर आप इसकी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो मेरे एक्सेल के प्लीज़ पिछले वीडियोज़ देखिए, ओके। और अगर मैं इसी शिफ्ट टैब और लेफ्ट एरो को प्रेस करूँगी तो जैसे डी वन पर हूँ तो सी वन बी वन ए वन, यानी कि मैं नेविगेट करूँगी प्रीवियस कॉलम्स में, ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और होती है एक चीज़ और अक्सर हो रही होती है कि टैब जब हम टेबल वर्ड की बनाते हैं तो टैब करने से अगर लास्ट कॉलम होता है तो नेक्स्ट कॉलम ऐड हो जाता है, पर एक्सेल में ऐसा नहीं होता, एक्सेल में बनी बनाई टेबल होती है, इसलिए आप टैब और जो राइटर है वो बेफिक्र होके अरे फिकर नॉट डोंट वरी एकदम से बिंदास तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब हमने कल बात की थी कि कैसे फाइंड करते हैं एग्जैक्ट डाटा, मान लीजिए मैं करे जा रही हूँ बहुत देर से टैब शिफ्ट टैब अप एरो डाउन एरो, अप एरो डाउन एरो करने से रोज चेंज होगी ना, कॉलम सेम रहेगा, अभी बताया वर्टिकल होता है ना, तो वर्टिकल होता है अभी बताया था, तो अब ये जो है रोज चेंज होगी। अब यहाँ पे मैं करे जा रही हूँ राइट लेफ्ट अप डाउन राइट लेफ्ट अप डाउन राइट लेफ्ट अप डाउन, तो मेरे को बहुत देर हो गई करते करते, मैंने कैसे कंफर्म करना है। अब मैंने टाइटल चेक किया इंसर्टी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक वन शीट वन, अरे ये तो एक्सेल तो है लेकिन मैं कहाँ हूँ, यहाँ पर मैं कैसे पता करूँ, तो आई हैव टू प्रेस दे
हियर इंसर्ट शिफ्ट सी, क्या प्रेस करना है यहाँ पर, इंसर्ट शिफ्ट सी। इंसर्ट शिफ्ट सी से आपका करंट कॉलम का जो टेक्स्ट होगा, या तो वो टेक्स्ट पढ़ के सुनाएगा या वो आपको कॉलम बताएगा कि आप इस कॉलम पे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना होगा, देखिए मतलब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं हूँ E23 पर, मैंने E23 पर हूँ, ये मैंने आपको पहले से बता दिया, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी कि मैं यहाँ हूँ। मैंने प्रेस किया इंसर्ट टी, इंसर्ट टी, वो बोला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट वन बुक वन, कौन बोला, NVDA, कौन बोला, जॉब्स, कौन बोला, नरेटर। अब मैंने ये प्रेस कर लिया, अब मेरे को पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करूँगी, इंसर्ट शिफ्ट सी, अरे भाई इंसर्ट काम नहीं कर रहा, फंक्शन की भी पाप लेनी पड़ेगी, फंक्शन की अभी बताया ना मल्टीमीडिया और उसका फंक्शन, फंक्शनल कीबोर्ड का, कि भाई कीबोर्ड जो होता है विंडो 10 में नए फंक्शंस आते हैं, उसमें की क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, F1 F2 डायरेक्ट फंक्शन की काम नहीं करती हैं, समझाया। तो उसमें एक चीज़ ये भी होती है, तो HP और Intel में देखने को मिल जाता है। अच्छा चले आगे चलते हैं। अब मुझे पता नहीं है मैं इन्हें कहाँ हूँ, तो मैं इंसर्ट शिफ्ट सी प्रेस की, तो E23 जब बोलेगा, जब वो ब्लैंक कॉलम है और यहाँ कुछ लिखा है तो क्या बोलना है, यहाँ पे बोलेगा वो टेक्स्ट अगर कुछ लिखा हुआ है तो। अब मेथड नंबर 2, फाइंड कैसे करेंगे डेटा। मैं आपको एक रोमांचक चीज़ बताती हूँ, क्या रोमांचक मैजिक चीज, क्या प्रेस करना है मेरे को, कंट्रोल F, क्या कंट्रोल प्लस F, फाइंड डायलॉग बॉक्स, क्या बोलेगा, फाइंड द डेटा, फाइंड डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको किसी का नाम पता है, नाम, सीरियल नंबर पता है तो सीरियल नंबर, और मतलब जो भी डेटा आपको, जिसकी भी डिटेल चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर पता है, उसके कुछ डिजिट पता है तो वो कॉन्टेक्ट नंबर डिजिट, मतलब नहीं समझ में आया, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। मैंने कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल F करते ही मैंने डाल दिया 7, और 7 लिख के एंटर किया, दो बार स्केप किया, यानी मैं सीरियल नंबर 7 की डिटेल पर पहुंच जाऊंगी, वहां बोलेगा सिलेक्टेड 7 मेरा किस में आ रहा है, ये A8 में, 7 A8, ठीक, क्योंकि लिस्ट A1 में था ना, हेडिंग थी ना A1 में, समझ में आई बात। अब देखिए, अब मेरे को नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, सीरियल नंबर वगैरह कुछ नहीं मुझे पता है, अरे उसके नंबर में था 8465, अब मैं कैसे पता करूँ 8465 से वो नंबर था, या मुझे 4 डिजिट पता है नंबर के, या मुझे नंबर भी नहीं पता, मुझे पता है ईमेल आईडी कुछ थोड़ा सा पता है, हाँ चलिए वो था rakesh.gupta@blah blah blah, जो भी था, कुछ भी था, वो ईमेल आईडी का थोड़ा सा पता है, या मुझे ये भी नहीं पता, मुझे नाम पता है, चलो मोहन, सोहन, जो भी है, राम, श्याम, है ना, रोहित, रोहित, जितने भी हैं, किसी का भी नाम ले लो, कंट्रोल F कीजिए, आप नाम पता है तो नाम, कॉन्टेक्ट नंबर पता है तो कॉन्टेक्ट, एड्रेस का थोड़ा सा पता है तो एड्रेस, और अगर आपको ये भी पता नहीं है तो ईमेल यानी gmail id वो लिखिए, एंटर कीजिए और दो बार स्केप कीजिए। क्या करना है आपने, दो बार स्केप करना है, तो आपको बोलेगा सिलेक्टेड ये, सिलेक्टेड वो, वहीं पे आपका कर्सर जाएगा, ऑटो जो कर्सर आपका मूव करेगा वो कहाँ करेगा, ऑटोमेटिकली वहीं पर, यानी सिलेक्टेड blah blah blah, सिलेक्टेड जो आपने जो डिटेल मांगी है वहीं पे आपका कर्सर जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को कोई ब्लैंक कॉलम सर्च करना है, क्या करना है, ब्लैंक कॉलम सर्च करना है, तो ब्लैंक कॉलम कैसे सर्च करेंगे, जैसे कि मानते हैं ये बात कि अगर मुझे जाना है H57 में, इसमें जाना है H57 में, मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, इस बात से मुझे क्या फ़र्क है, इस बात से मुझे क्या गर्ज है कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो वहीं जाऊँगी ना जहाँ मुझे जाना है, ठीक है ना, समझ में ही बात, इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हम कहाँ हैं, हमने जाना वही है जहाँ हम जाएंगे, तो अब हम कहीं भी हैं, हम क्या करेंगे, कंट्रोल F, क्या करेंगे, कंट्रोल F, यहाँ पे मैंने लिखा H57, एंटर, प्रेस 2 टाइम स्केप, वो बोलेगा सिलेक्टेड H57, क्योंकि ये ब्लैंक कॉलम था, इसलिए
कॉलम को प्रोनाउंस कर दिया इसने, ठीक है। बात भी दोनों समझ में आ गई, करंट वाली, करंट फोकस वाली, और इसके अलावा जो फाइन डेटा वाली। अब डेटा कॉस्ट मान लीजिए, अगर हमें 100 में से 20 लोगों का डेटा एक साथ चाहिए, 80 को हिडन करना है, उस केस में क्या करेंगे हम? अगर हमें 100 में से 20 लोगों का चाहिए डेटा और हमें 80 को हिडन करना है, तो हम क्या उसमें हम वहाँ के यूज़ करेंगे फिल्टरिंग का, क्या यूज़ करेंगे फिल्टरिंग, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, आगे चलेगा। उसके बाद आप यूँ मान लें कि अगर आपको 5000 का डेटा दे दिया जाए और उन 5000 में से सिर्फ आपको 65 लोगों का डेटा मतलब आपको फिल्टर करना है, तो क्या यूज़ करेंगे आप? वी लुकअप का, एडवांस फिल्टरिंग का। वी लुकअप नहीं, वी लुकअप उसमें लगेगा, रूल सिमिलाइजेशन में लगेगा वो, वी लुकअप का वहाँ नहीं, आपका एडवांस फिल्टरिंग और ट्रंक का। और वी लुकअप भी कर सकते हैं, वी लुकअप भी हो सकता है। वी लुकअप क्या होता है? जो कॉलम्स में लगता है, वो फॉर्मूला शीट्स कॉलम्स में, वो बहुत आगे की चीज़ है, ठीक है। तो बहुत आगे, एडवांस एक्सेल का है वो, तो तब हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कंट्रोल एफ का जो काम करते हैं, जो फाइंड डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसे गोटो भी खुलता था, कंट्रोल जी से भी ये खुलता था। क्या खुलता था? कंट्रोल जी से गोटो खुलता था, और यहीं पे हम सेम चीज़ करते थे, जो हमें डिटेल चाहिए वो लिखा या कॉलम चाहिए, तो दो बार स्केप कर दिया, भाई डन हो गया। लेकिन अब गोटो का फंक्शन न्यू ऑफिस में, लेटेस्ट में काम नहीं करता है, इसलिए हम फाइंड को ही यूज़ करते हैं। और जो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है, फाइंड एंड रिप्लेस, वो कंट्रोल एच से भी खुलता है, ठीक है ना। तो ये वो अलग चीज़ है, वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत डिटेल से पढ़ाया है, वो देखिएगा। कॉलम्स को सेट करने के लिए, ताकि सारा डेटा विजिबल हो, लास्ट टाइम भी बताया था, सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से, नहीं तो कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट कॉलम पे अपना कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर लीजिए और कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, या कंट्रोल स्पेस से एक कॉलम सेलेक्ट, या शिफ्ट स्पेस से पूरी रो, एक रो सेलेक्ट। और आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है ऑल्ट एच एक साथ डब्ल्यू, इससे ब्रेथ बढ़ जाएगा कॉलम का। ये ऑटो फिट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ऑटो फिट टू कंटेंट, क्या कहते हैं? ऑटो फिट टू कंटेंट। और ये आपको होम टैब में भी मिल जाएगा, इसमें ब्रेथ है ना, रैप टेक्स्ट के नाम से ऑप्शन आएगा, क्या आएगा? रैप टेक्स्ट के। एक कॉलम को भी अकेले कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है, उसमें 8 समथिंग होता है, उसे हटा के आप बैक स्पेस से डिलीट करके, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू करके बैक स्पेस से उसको डिलीट करके, और जितना आपको चाहिए उतना लिख के एंटर करके स्केप कर देंगे, तो आपका वहीं पे वो ब्रेथ बढ़ जाएगा उस कॉलम का। लेकिन आपको क्या पता कि कॉलम इतने ही ब्रेथ में इसका काम हो जाएगा, इतने ही स्पेस में हो जाएगा, तो क्यों ना हम ऑटो फिट टू कंटेंट करें। तो ऑटो फिट टू कंटेंट करने के लिए या तो एक कॉलम सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल स्पेस से, या शिफ्ट स्पेस से एक रो सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप जो करें वो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से एक एक कॉलम पे कर्सर रख के सारे कॉलम वर्टिकल शेप में सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे से कर लीजिए, या कंट्रोल ए से ऑल डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और ऑल टच एक साथ डब्ल्यू कर दीजिए, खत्म कहानी, खत्म किस्सा। और ये हो गया फर्स्ट क्लास डेटा, स्पेशल डेटा, ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है ना। चलिए भाई, ये तो बेसिक डेटा एंट्री था, क्या था? बेसिक डेटा एंट्री। अब हम कल से मार्कशीट शुरू करेंगे, कल की क्लास में क्या शुरू करना है? स्मार्ट मार्कशीट बताऊंगी आपको, क्या बताऊंगी? स्मार्ट मार्कशीट, मजा आएगा, तो इंतज़ार कीजिए कल की क्लास का। हो सकता है जीएस की क्लास ले लूँ मैं कल, अगर मुझे नहीं लेनी हुई जीएस की, तब कंप्यूटर की कमेंट बॉक्स में बताइए, कल कंप्यूटर की क्लास होनी चाहिए या जीएस की, व्हाट डू यू वांट, कंप्यूटर क्लास और जीएस क्लास, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट सेट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।